तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी गैलरी के अंदर किसी भी फोटो या वीडियो को छिपाना चाहते हैं तो कैसे छिपा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि आपके मोबाइल के अंदर गैलरी जो ऐप है उसका पुराना वर्जन हो या फिर नया वर्जन हो, आप किसी के भी अंदर फोटो और वीडियो को छिपा सकते हैं, वो भी लॉक के द्वारा। तो यहाँ पे कैसे करना है इसके लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जिस भी मोबाइल के अंदर आप फोटो या वीडियो को छिपाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर जो ये वाली गैलरी ऐप है आपको इस पर इस प्रकार से प्रेस करके रखना है। जब यहाँ पे आप प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐप इन्फो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐप इन्फो के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है अनइंस्टॉल अपडेट्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर लिया तो यहाँ से आप इस ऐप से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वापस अपनी गैलरी की जो ऐप है इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे आपकी जो गैलरी है वो यहाँ पर वापस खुल जाती है। जब यहाँ पे आपकी गैलरी खुलती है तो यहाँ पे जो वीडियो है, जो फोटो है, उसको लोडिंग लेने में थोड़ा समय लगता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपनी गैलरी या फिर एल्बम के अंदर से जहाँ से भी आप अपने फोटो या वीडियो को छिपाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर जाना है। चाहे आप फोटो के अंदर जाना चाहते हैं तो फोटो के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप एल्बम के अंदर जाना चाहते हैं तो चाहे आप एल्बम के अंदर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे आप जिस भी फोटो या वीडियो को छुपाना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट किए और कुछ यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट किए। अब इसके बाद मैं इसको छिपाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एड टू एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मिलता है प्राइवेट एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको ओके का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है गो टू सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लेना है। तो चलिए हम इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद अब हमें यहाँ से बैक जाना है और उसके बाद वापस आपको बैक जाना है। और बैक जाने के बाद अब यहाँ पे आप अपना पैटर्न लॉक बना सकते हैं। आपको जो भी पैटर्न लॉक बनाना है वो यहाँ पे आप हाइड करने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न लॉक बना लिया, उसके बाद उसी पैटर्न लॉक को मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। और कंफर्म करने के बाद अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। तो यदि आपके जो फोटो है वो इनकेस कई कारण से यहाँ पे चले जाते तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट ऐड करना चाहते जो कि Xiaomi अकाउंट है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटो और वीडियो थे वो यहाँ से अब छिप गए। अब यदि उसको आप देखना चाहते तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो ये एल्बम का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको उंगली से इसको इस प्रकार से नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी पैटर्न लॉक रखा है उसको इस प्रकार से खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपने जो भी फोटो या वीडियो छिपा है वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि आप इनको वापस प्राइवेट के अंदर से लॉक के अंदर से आपने जो हाइड किया वहां से आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वापस इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे आपको रिमूव फ्रॉम प्राइवेट का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से वापस रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव करने के बाद आप उसको कहाँ पर रखना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जहाँ भी इसको रखा है वहाँ पे आपको पुराने फोटो और वीडियो है वो वापस ऐसे के ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।